आज तो मेरी सुबह की शुरुआत हुई फूलों के बीच में। आप लोगों की सुबह की शुरुआत आज कैसी हुई ज़रूर बताइएगा। और आज इतना सुंदर सीन देख के मैंने सोचा क्यों ना ये नज़ारा आप लोगों को भी दिखाऊं, तो आपका दिन भी बन जाएगा। फूलों के बीच रहना शायद ही कोई होगा जिसे पसंद नहीं होगा, जिसे फूल पसंद नहीं होंगे, क्योंकि हर किसी को ही फूल पौधे पेड़ पसंद होते हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोगों के वहाँ पे ना अब ये हिलशा फिश जैसी फिशेस भी आने लगी हैं, पॉम्पलेट फिश भी आने लगी हैं। ये ना समुद्री फिशेस हैं, तो ये हम लोगों के एरिया में नहीं मिलता है। तो समुद्री एरिया के आसपास ये काफ़ी मिलते हैं, और हिलशा फिश तो कहीं कहीं नदी में भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे आज तक नहीं मिली है। ऑर्डर करवाने पर आती थी, लेकिन आज पापा मार्केट में गए थे तो उनको ये दिखी और वो लेके आए। और इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की थी ना, मतलब इतनी बड़ी साइज़ की हम जब कोलकाता जाते हैं तब भी हमें नहीं मिलती है। और इतनी बड़ी पॉम्पलेट फिश मैंने आज तक नहीं देखी, बट आज मैंने पहली बार देखी। मम्मी भी बोल रही थी कि उन्होंने इतनी बड़ी साइज़ की पॉम्पलेट फिश आज तक नहीं देखी। ये पॉम्पलेट फिश का ना मैं फ़िश फ्राई बनाऊंगी मेरे हबी के लिए, क्योंकि उनको इस फिश का ना फ़िश फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद है मसाले के साथ। और ये हिलशा फिश ना, ये तो कोलकाता की मोस्ट फेमस फ़िश है, इलिश माच। इलिश माच इज़ लव, ये हम लोगों का प्यार है इलिश माच। जिसको पसंद है वो तो इसके लिए इस पर जान छिड़कता है, और जिसे पसंद नहीं है उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी यहाँ पे ना मैं पॉम्पलेट फ़िश फ्राई के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च थोड़ा सा सरसों का तेल थोड़ा सा नमक इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसको ना मैं फिशेज में अच्छे से लगा के इसको एयरटाइट डब्बे में बंद कर दूँगी 15 मिनट के लिए। इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। फिर बाकी मैं एक ही फ़िश फ्राई करूँगी आज, और बाकी दो मैं नेक्स्ट डे के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये बस मेरे हबी खाने वाले हैं। हम लोग तो खाएँगे हिलशा फिश। हम लोगों के घर में ना पेंटिंग का काम चल रहा है, तो यहाँ पे दो कलर सेलेक्ट किए हैं। एक तो ये ऑलिव ग्रीन कलर है, ऊपर वो जो येलो लाइट येलो सा कलर है वो वाला कलर है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कलर होने वाला है। और यहाँ पे ना हिलशा फिश को मम्मी ने अच्छे से काट लिया है। लास्ट टाइम जब पापा लेके आए थे ना, तो मुझे अच्छे से काटनी नहीं आती है, मेरे से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कट गया था, बट मम्मी तो प्रो है, उन्होंने एकदम साइज़ में कितना सुंदर तरीके से काटा हुआ है। तो इस फिश में ना एग हो गया है, और एग वाला पार्ट मम्मी को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज ना सारी फिशेज में फ्राई नहीं करूँगी, बस हम लोग जितने जने हैं सब लोगों के लिए एक एक फ़िश फ्राई करूँगी बस। और मेरे को ये जो एग वाला फ़िश होता है ना, ये मेरे को नहीं पसंद, तो मैं प्रीफर करती हूँ पीठ वाली साइड का फ़िश खाना। किसी भी फ़िश का मुझे पीठ वाला पार्ट ही पसंद है, मुझे ना पेट वाला पार्ट नहीं पसंद। तो मैं यहाँ पर ना नमक हल्दी और थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको भी एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रख दूँगी। बाकी फ़िशेज जो हम खाने वाले हैं उसी को निकाल के रखूँगी। इस फिश से ना नेचुरली ऑयल निकलता है, और इसको फ्राई करने के टाइम ना ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मेरे से ना गलती से इतना सारा ऑयल गिर गया था, तो फिर मैंने डाला नहीं, मैंने उसी में फ्राई कर लिया। बाहर पे पेंट होना चालू हो गया है, और यहाँ पे ना लाइट ग्रीन कलर का जो पेंट हो रहा है वो हो रहा है, और जहाँ पे रेड कलर किया हुआ है वहाँ पे ऑलिव का जो डार्क ग्रीन है वो यूज़ करेंगे। तो जब ये पूरा अच्छी तरीके से पेंट हो जाएगा, तब मैं आप लोगों के साथ पूरा घर का लुक शेयर करूँगी। ब्लॉग है ना, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये मेरे लिए एक मेमोरी है कि मेरी बेटी देखते देखते इतनी बड़ी हो जा रही है। अभी ना उसको आज 11 मंथ कंप्लीट हो गया, और वो 12 मंथ में पड़ गई है, तो ठीक एक महीने बाद उसका फर्स्ट मतलब बर्थडे है। तो यकीन नहीं हो रहा है कि बच्चे इतने देखते देखते बड़े हो जा रहे हैं, मतलब सामने से इतनी बड़ी हो जा रही है ना, यकीन ही नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भी लगता है, एकदम मिक्स फीलिंग आती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं रिसेंटली कुछ महीने से उसके लिए खुद ही केक बेक करती हूँ, मतलब जो वो खा सके हेल्दी केक। तो इस बार भी एक और केक बनाऊंगी मैं उसके लिए कैरेट और बनाना के साथ, वो भी बहुत हेल्दी सा केक होगा कि वो भी खा पाएगी। गुड़ हेल्दी है बच्चों के लिए, बनाना कैरेट आटा सूजी
बस यही सब मिला के मैं उसके लिए छोटा सा केक, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा केक बनाऊंगी, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। और जो लोग मेरी फैमिली में ऑलरेडी मेम्बर्स हैं, उन लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही अपना प्यार देते रहे, तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। चीनी के लिए स्पेशल 11 मंथ का हेल्दी केक बनाने के लिए मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने निकाल लिया है अंडा, क्योंकि मैं उसको खिलाती हूँ अंडा, और केक में तो अच्छा भी रहता है, उसमें हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है खाना। और यहाँ पे मैंने एक बनाना भी यूज़ किया है, एक कैरेट को मैंने ग्रेट करके डाल दिया है इसमें। और चीनी की जगह पे गुड़ को मैंने यहाँ पे मेल्ट किया हुआ है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ भी डाल दिया है स्वीटनेस के लिए, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी ना बनाना भी डाला हुआ है, तो ज़्यादा स्वीटनेस की ज़रूरत नहीं थी। तो अब मैं इसमें ना आटा और सूजी को भी ऐड करूँगी, और साथ में थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि उसको तो मैं अभी काऊ मिल्क नहीं देती हूँ, तो इसीलिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला है, और बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल के, और जहाँ पे हम लोग बटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मैंने इसके लिए घी यूज़ किया हुआ है। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये केक ना हेल्दी के साथ साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि बनने के बाद ना ये सच में बहुत टेस्टी बना था। चीनी ने तो थोड़ा सा ही खाया, बाकी हम लोगों ने ही ख़त्म कर दिया था, इतना टेस्टी केक बना था। केक को मैंने यहाँ पे बेक होने के लिए रख दिया है, और अब मैं ना चीनी के लिए डिनर बनाऊँगी। तो चीनी के लिए तो मैं घर पे ही सेरेलेक बनाती हूँ, तो अभी मैं उसके लिए जो मैंने घर पे बनाया हुआ है सूजी दलिया और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके उसको मैं अच्छे से बना लूँगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमको बिच्छू के साथ छोड़ के कैसा? मम्मी को पागल बना दिया। उठ वाला को उठ। अरे मार दे, टीप दिच रे मुझे। मम्मी बिंदी नहीं दे रही है, इसलिए मम्मी का ये हाल। मैं किचन में केक बना रही थी, मम्मी आवाज लगा रही है, क्या हो? चीनी, ये तो की करे चो? की करे चो ये तो? अरे मुझे पाँच पागल। খাবার নিয়ে আসি আর বলিস না, আমার কেমন লাগছে দেখি তো, একটু পাগল লাগছে, পাগল ছোট লোকের মতো লাগছে। নাতনি 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 পাগল করে দিয়েছে। আরে আজকে থেকে শুরু করেছে সব, টিপ টিপ নি হম 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 টিপ নি আজকে থেকে শুরু করেছে বদমাশি। না টিপ না লিপস্টিক না সিঁদুর না কিচ্ছু নাই বাবা, সব উঠিয়ে সব উঠিয়ে দিয়েছে, সব লাগিয়েছিল। দেখ কি অবস্থা, আগে হয়ে গেছি দাদি, এসে বানো কি পোতা পোতি ইয়াদ করি, আমারে জেসে বানো, আমারে জেসে সব লোক, হম পতা নেই কেসে হ্যাঁ পতা নেই হমকো। मैं सोचती हूँ तुम्हें सबसे अच्छी दादी बनूं, सबसे अच्छी दुनिया से लड़के भी। आप मार रही है आपको। सही बात है, तो दादी होता है, मेरा सपना पूरा हो गया है। चीनी को मैं घर पे बना के मैक्सिमम सभी कुछ खिलाती हूँ उसको, मैंने नॉन वेज भी स्टार्ट कर दिया है, और बाकी मैंने ना उसके लिए घर पे दो टाइप के सेरेलेक भी बनाए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है उसके लिए, और उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी है, और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाती है। तो नेक्स्ट जब मैं वो सेरेलेक बनाऊँगी ना, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चीनी को भी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है केक कटिंग करने के लिए, तो अभी मैं केक भी डेकोरेट करके ले आई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं किया है इस बार, बस हम लोग ना नॉर्मली उसका केक कट करते हैं रात में, और पापा सो चुके हैं क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो यहाँ पे अभी हम तीनों मिल के चीनी का केक कटिंग करेंगे। Happy birthday to you.
গেল সামনে আমাদের তখন বাবা জিনিসটা ये ब्लॉग मैं यही पेंट करती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। आप लोग जहाँ हो खुश रहो, स्वस्थ रहो और मिलजुल के रहो। आप लोगों के सारी जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं बहुत अच्छे से स्पेंड हो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शुभमिता ब्लॉग्स को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को मेरी जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी। और ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।